देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आप माहौल देख सकते हैं, मेरे पीछे आप रथ देख सकते हैं। रथ यात्रा रवाना हो चुकी है भगवान जगन्नाथ के द्वार से उनकी मौसी जी के घर। तीनों भाई बहन जा चुके हैं। हेमंत सोरेन इस प्रोग्राम में आए थे, राज्यपाल रमेश बैस जी यहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, रथ की पूजा की, उसके बाद जो रथ खींचने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद अब आप जैसे देख सकते हैं, मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, लोगों में उत्साह है, बारिश हो गई है, माहौल बिल्कुल ठंडा है, लोगों में उतना ही उत्साह, उतना ही उमंग अभी जारी है। दो साल के बाद इस बार रथ यात्रा का आयोजन किया गया, इसी वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं और इसके साथ ही इनके साथ ही रथ को रवाना कर दिया गया है। वहां पर भगवान जगन्नाथ अपने दोनों भाई बहन के साथ 7 दिन तक मौसी बाड़ी में रहेंगे, मौसी जी के घर रहेंगे। आपको मैं इसके पीछे का इतिहास बता देना चाहूँ कि जो सुभद्रा थी, जो जगन्नाथ भगवान की जो बहन थी, उन्होंने एक दिन पूरा नगर भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ उनको नगर जो दर्शन करवाने के लिए निकले थे। इसी दौरान वो अपनी मौसी के घर भी पहुंचे। तभी से परंपरा चली आ रही है कि जगन्नाथ भगवान का जो रथ है वो जगन्नाथ भगवान के द्वार से उनकी मौसी जी के घर तक जाता है और 7 दिन तक वो वहीं विराजते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।